हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिक यूट्यूब पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले IPL को लेकर। जी हां दोस्तों, IPL को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। IPL की बात करें तो अभी ऑक्शन को 16 फरवरी के लिए रखा गया है, तो अगर 16 फरवरी को ऑक्शन होता है तो उससे पहले 20 जनवरी को उनको रिटेन प्लेयरों की टीमों को लिस्ट जमा करानी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनको टीमें रिलीज इस साल करने वाली है, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इस सीजन इन्होंने सेकंड लास्ट पे फिनिश करा था। तो कुछ ऐसे बड़े प्लेयर हैं जिनका बजट तो हाई है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स उनको रिटेन अब नहीं करने वाली। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पीयूष चावला का। जी हां दोस्तों, पीयूष चावला की बात करें तो 6.75 करोड़ का उनका बजट है। तो 6.75 करोड़ में एक स्पिनर के लिए काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का स्पिन डिपार्टमेंट पहले से ही मजबूत है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनके पास में हरभजन सिंह अवेलेबल है। इसके अलावा बात करें तो उनके पास में रविंद्र जडेजा एक बढ़िया स्पिनर अवेलेबल है एज ए ऑलराउंडर, और उनके पास इमरान ताहिर भी अवेलेबल है। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स नहीं चाहेगी कि पीयूष चावला को 6.75 करोड़ रुपए देकर रिटेन करे। तो पहले खिलाड़ी ये होने वाले। दूसरे होने वाले हैं मुरली विजय। जी हां दोस्तों, मुरली विजय की हालांकि बात करें तो शेन वॉटसन ने अभी संन्यास ले लिया है, तो चेन्नई सुपर किंग्स मुरली विजय को साथ में रख भी सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि मुरली विजय को वो छोड़ने वाली है। तो मुरली विजय की जो प्राइस है वो 2 करोड़ है, तो ऐसे में ज्यादा तो प्राइस है नहीं, तो मुरली विजय को रख भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इनके चांसेस यही है कि टीम रिलीज करने वाली है। अब तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो केदार जाधव। जी दोस्तों, हालांकि केदार जाधव तो ठीक ठाक प्रदर्शन देते हैं हर साल, लेकिन केदार जाधव की बात करें तो बजट काफी ज्यादा है। 7.8 करोड़ रुपए का अभी जो हाल में उनका बजट है, तो चेन्नई सुपर किंग्स नहीं चाहेगी कि 7.8 करोड़ देकर केदार जाधव को रखा जाए। तो ऐसे में केदार जाधव को भी छोड़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये भी न्यूज आ रही है कि सुरेश रैना को भी रिलीज कर सकती है टीम, लेकिन कुछ दिनों पहले जो CSK ऑफिशियल की तरफ से एक बयान आया था, उसमें ये कहा गया था कि चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रैना को अपने साथ में रखने वाली है। तो ऐसे में लग रहा है कि सुरेश रैना को टीम रिलीज नहीं करने वाली है। अब बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। जी दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो इनके पास में भी कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदर्शन नहीं कराया इस साल। तो उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है ग्लेन मैक्सवेल का। 10.75 करोड़ रुपए की जो इतनी बड़ी बोली है, उसके बावजूद भी ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन इतना बढ़िया रहता नहीं है। हालांकि जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या फिर बिग बैश में खेलते हैं तब तो उनका बढ़िया प्रदर्शन रहता है, लेकिन जब भी IPL में आ जाते हैं तो उनका प्रदर्शन काफी घटिया रहता है। तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करने वाली है। इसके अलावा शेल्डन कॉटरेल, पिछले साल जो बॉलरों की ज्यादा बोलियां लगी थी, ऐसे में जो पैट कमिंस और बात करें तो शेल्डन कॉटरेल को 8.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, लेकिन इतना बढ़िया प्रदर्शन भी दे नहीं पाए थे। हालांकि उनकी बॉलिंग तो बढ़िया, विकेट भी निकालते हैं, लेकिन जो महंगे साबित होते हैं काफी, तो शेल्डन कॉटरेल को शायद किंग्स इलेवन पंजाब रिलीज करने वाली है। अब तीसरा जो नाम है वो है कृष्णप्पा गौतम। कृष्णप्पा गौतम को उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से लिया था ट्रेड करके, लेकिन कृष्णप्पा गौतम का भी प्रदर्शन इतना बढ़िया रहा नहीं और उनका भी बजट 6.20 करोड़ है। तो ऐसे में कृष्णप्पा गौतम को भी वो रिलीज करने वाली है। इसके अलावा जो तीसरा नाम आता है वो आता है करुण नायर का। जी दोस्तों, करुण नायर की बात करें तो 5.6 करोड़ का उनका बजट है, तो 5.6 करोड़ में वो करुण नायर को भी रिटेन नहीं करने वाले, क्योंकि करुण नायर का भी इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा नहीं इस सीजन की बात करें तो। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स के खेमे से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स अपने कप्तान स्टीव स्मिथ को हटा सकती है। जी हां दोस्तों, अगर स्टीव स्मिथ को हटाती है तो ऐसे में बातें आ रही है कि संजू सैमसन को वो एज ए इंडियन कैप्टन उनको खिला सकती है। तो ऐसे में अगर स्टीव स्मिथ को टीम रिलीज करती है तो उनको 12.5 करोड़ का जो बजट है वो मिल जाएगा। तो स्टीव स्मिथ को 12.5 करोड़ के बजट की वजह से ही टीम रिलीज करना चाहेगी, क्योंकि जो स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन रहता है वो T20 में इतना बढ़िया रहता नहीं है। तो जो टेस्ट और वनडे में तो काफी बढ़िया है, लेकिन T20 में इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहता है कि 12.5 करोड़। तो ऐसे में अगर स्टीव स्मिथ ऑक्शन में भी जाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स फिर से उनको खरीद लेगी, क्योंकि मिनी ऑक्शन है तो यहाँ पे बोली ज्यादा लगने के चांसेस काफी कम रहने वाले हैं। तो ऐसे में मेरे को लग रहा है कि ऑक्शन से स्टीव स्मिथ को वापस राजस्थान रॉयल्स खरीद लेगी। तो ये रहने वाली अपडेट राजस्थान रॉयल्स के लिए, ये बहुत ही बड़ी अपडेट रहने वाली है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस को तो ज्यादा प्लेयर रिलीज करने की जरूरत नहीं है, काफी सेटल्ड उनका स्क्वाड है। तो ऐसे में बात करें तो क्रिस लिन को हालांकि वो रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस लिन की बात करें तो इस साल मौके नहीं मिले और इनका जो टॉप ऑर्डर है वो पहले से ही शॉर्टेड है कि रोहित शर्मा है, क्विंटन डी कॉक है, तो सूर्य कुमार यादव है, तो इनके पास में जो बैटिंग में इतने चांसेस है नहीं। तो क्रिस लिन के लिए भी बढ़िया होगा कि अगर वो रिलीज हो जाएंगे तो बाकी टीमों के साथ में खेल सकेंगे। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की।
जी दोस्तों, बेंगलुरु की बात करें तो उनके पास में भी कुछ बड़े प्लेयर है जिनकी जो बोली तो काफी ज्यादा लगी है, लेकिन प्रदर्शन इतना बढ़िया रहा नहीं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है क्रिस मॉरिस का। जी दोस्तों, क्रिस मॉरिस एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं, लेकिन बात करें तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग से इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा नहीं। तो उनको बात करें तो 10 करोड़ की बोली लगा के उनको खरीदा गया था। तो ऐसे में मेरे को लग रहा है कि क्रिस मॉरिस को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु रिटेन नहीं करने वाली। इसके अलावा जो दूसरा नाम आता है वो आता है शिवम दुबे का। जी दोस्तों, शिवम दुबे को भी 5 करोड़ रुपए की बोली लगा के खरीदा गया था। तो ऐसे में मेरे को लग रहा है कि शिवम दुबे को भी वो रिलीज करने वाली है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उनका भी स्क्वाड काफी बढ़िया है, क्योंकि इस साल उन्होंने भी अभी फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन इनकी बात करें तो सिमरन हेटमायर को ये रिलीज कर सकती है एक बड़े नाम के तौर पे, क्योंकि हेटमायर का प्रदर्शन तो इतना बढ़िया रहा नहीं। हालांकि कुछ लास्ट के मुकाबलों में बढ़िया प्रदर्शन करा, हिटिंग करते हैं लास्ट ओवरों में। तो इनके पास पहले से ही ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर जैसे बड़े हिटर पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे में मेरे को लग रहा है कि सिमरन हेटमायर को ये रिलीज कर सकती है, क्योंकि सिमरन हेटमायर की बात करें तो 7.75 करोड़ रुपए में उनको खरीदा गया था। तो ये कुछ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर की। जी दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर की बात करें तो इनके पास में दिनेश कार्तिक की एक ऐसा ऑप्शन है जिनको ये बड़े नाम के तौर पर रिलीज कर सकती है, क्योंकि इयान मॉर्गन हो गए, सुनील नारायण हो गए, आंद्रे रसेल हो गए, इनको तो ये रिलीज करने नहीं वाली। और पैट कमिंस की बात करें, हालांकि काफी महंगे हैं, लेकिन उनको रखने वाली है क्योंकि प्रदर्शन इतना बढ़िया दिया है। तो ऐसे में और पैट कमिंस की बात करें तो एज ए ऑलराउंडर भी उनको काम में आ रहे हैं। इस सीजन की बात करें तो बैटिंग से भी काफी बढ़िया प्रदर्शन दिया है। तो ये कुछ बड़े नाम है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो आ रहा है स्टीव स्मिथ का। अगर राजस्थान रॉयल्स स्टीव स्मिथ को रिलीज करती है तो ये काफी बड़ा नाम होने वाला है। इसके अलावा सुरेश रैना का भी नाम आ रहा है, लेकिन सुरेश रैना को मेरे को नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स रिलीज करने वाली है। इसके अलावा तो कोई बड़ा नाम है नहीं। हाँ, ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत ही बड़ा नाम है, उनको किंग्स इलेवन पंजाब रिलीज करने वाली है। इसके अलावा क्रिस मॉरिस आरसीबी के लिए रिलीज होने वाले हैं। तो ये है कुछ बड़े बड़े नाम जो इस आईपीएल के सीजन में रिलीज हो सकते हैं। तो ये आज 20 जनवरी के बाद में पता चल जाएगी कि कौन कौन से प्लेयर रिटेन होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो में अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।